नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हमारे पास है सैमसंग A30s, जिसका जो B2B कनेक्टर होता है सबसे बड़ा कनेक्टर होता है सैमसंग की मॉडल में। अगर सैमसंग में देखा जाए तो इससे बड़ा कनेक्टर आपको नहीं मिलेगा। तो कितनी भी बड़ी कनेक्टर हो, आप उसे B2B कनेक्टर को ईजिली रिमूव एंड फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्लक्स डालेंगे और हमारा टेम्परेचर है 290, और ये देखिए आसानी से हमारा कनेक्टर बाहर आ गया। इसके बाद हम इसका टेम्परेचर थोड़ा लो करेंगे, हल्की सी टेम्परेचर लो करना है, पूरा लो नहीं कर देना है एवरीवन। अगर आप ज़्यादा लो कर दोगे टेम्परेचर तो कनेक्टर तो आसानी से लग तो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें कनेक्शन करोगे, पत्ता डालोगे और दोबारा खींचोगे तो पूरा कनेक्टर ही बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए आप हल्का सा PPD अप्लाई करें, और PPD की जो टेम्परेचर रखनी है वो 183 रखनी है, या 217 अवेलेबल है तो 217 रखनी है, या नहीं है PPD तो जो आपके पास जो रांगा है, जिसको आप सोलर वायर कहते हो, आप उससे भी इसकी टेम्परेचर लो कर सकते हो। तो टेम्परेचर लो करनी है, एक साथ सोल्डिंग आयरन को ऊपर नीचे चलाना है, ताकि हर एक जो पैड है उसकी साइज इक्वल बनाने की कोशिश करनी है। टेम्परेचर लो करने के बाद इसे पूरा क्लीन कीजिए, ताकि यहाँ पे कोई PPD रहे नहीं। कोई PPD अगर रहेगा तो आपस में दो पॉइंट आपके मेल्ट होंगे, जुड़ जाएंगे। इसीलिए इसको अच्छी तरह से क्लीन कीजिए, एकदम बेहतर क्लीन कीजिए। क्लीनर आप पेट्रोल इस्तेमाल कीजिए, आपके पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो। अब इस पर हम फ्लक्स डालेंगे, और फ्लक्स की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा करके ही रखनी है, क्योंकि ये IC नहीं है, कनेक्टर है। कनेक्टर में हमारा थोड़ी सी फ्लक्स ज़्यादा होता है, चाहिए होता है, ताकि कनेक्टर को जलने से ये बचाता है। अब इसके पास हम इसको थोड़ा प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट के लिए टेम्परेचर आप 210 220 भी रख सकते हो। उसके बाद प्रीहीट करने के बाद यहाँ पे कनेक्टर हम अप्लाई करेंगे। कनेक्टर का नीचे का लेग आप मिला लीजिए कि सामने सामने है या नहीं, नहीं तो आप इसे तिरछा लगा दोगे तो वीबस का सप्लाई किसी और में जाएगा और किसी और का सप्लाई किसी दूसरे लाइन में चला जाएगा। तो ये मैंडेटरी है कि आप इसके नीचे लेग मिला लो, कि हर एक लेग अपने ही पैड के सामने है या नहीं। देखिए ये कनेक्टर जैसे मेल्ट हुआ, ये ऑटोमेटिक अपने बोर्ड में अटैच ले लेगा। आप सिर्फ इसे लेफ्ट राइट हल्का सा एडजस्ट कर दो, ताकि ये आसानी से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, ये सबसे बड़ी कनेक्टर है। आपको ये फ़ोन में अगर आप इस पर काम कर लेते हो तो कोई भी कनेक्टर रिप्लेस करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठंडा होने देंगे, बिना ठंडा किए इसको आप क्लीन ना करें, नहीं तो ये खिसक जाएगा अपनी स्थान से। चलिए, तो हमारा ठंडा हो चुका है कनेक्टर। इसके बाद इसे चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं बेहतरीन हमारा कनेक्टिविटी है, नीचे प्रॉपर कनेक्टिविटी है। अब इसके बाद इसे सफाई कर लेंगे। एवरीवन, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन या ऑफलाइन मोबाइल ट्रेनिंग लेना आप चाहते हैं, रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, चिप लेवल से लेकर के कंप्लीट प्रोग्रामिंग तक, UFI, EGZ है, तो हर कुछ हमारे पास DSO LCR सब कुछ अवेलेबल है। आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हो। डेमो के लिए आप कॉल मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कन्फ्यूजन है मन में ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, तो आप बेहिचक होकर के हमें कॉल या मैसेज करो। तो हमारा कनेक्टर देखिए प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल भी नहीं जली है कनेक्टर, थोड़ा सा भी नहीं मेल्ट हुआ। एवरीवन, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं वीडियो आपके लिए लगातार बनाता रहूं, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।